स्वयता सवितुर वरणीयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 नमस्कार मेरे दोस्तों आज मैं एक वीडियो आदि शंकराचार्य का बहुत ही उत्तम ग्रंथ आत्मबोधा के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ आत्मबोधा में कुल अठसठ श्लोक हैं और ये आदि शंकराचार्य की वेदांता का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया बताया जाता है इसमें श्री शंकराचार्य जी ने आत्म साक्षात्कार एंड ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में बताया गया है इस प्रकार जो है हम ध्यान श्रवण मनन और निधि ध्याना के द्वारा विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो वैराग्य है उस अपने अंदर पैदा करके और शुद्ध कर्म जो है करते हुए और अविद्या को नष्ट करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम क्रम कांड से अविद्या का नाश नहीं कर सकते केवल ज्ञान की प्राप्ति से ही अविद्या का अज्ञान का नाश हो सकता है ये संसार और हमारी इंडिविजुअल आत्माएं सब उसी ब्रह्मा का हिस्सा है हमारा जो आत्मा है वही ब्रह्मा है ब्रह्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो है सत्य चित्त आनंद और हम जो है मन अहंकार को नष्ट करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं जब तक हमारा मन और अहंकार ताकतवर रहेंगे आत्म साक्षात्कार का होना संभव नहीं है पहला श्लोक जिन्होंने अपने पापों को तब के द्वारा अक्षीण किया है तथा जिसका मन शांत और राग आदि द्वेषो से रहित देशों से रहित है ऐसे मोक्ष के इच्छुक साधकों के लिए आत्मबोध ग्रंथ की रचना की जा रही है जिस प्रकार अग्नि भोजन पकाने के लिए प्रत्यक्ष साधन है उसी प्रकार मोक्ष के लिए प्रत्यक्ष साधन ज्ञान मात्र है बिना ज्ञान के मोक्ष कभी भी संभव नहीं होता है मैंने संस्कृत का जो श्लोक है उसकी बजाय उसकी जो ट्रांसलेशन है वही दे रहा हूँ इसे सबको समझने में आ, आसानी रहेगी शंकराचार्य जी जो थे ना, वो कर्म कांड की बजाय आत्मा की और ब्रह्म की जो ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देते थे उनका कहना था कि कर्म कांड से जो दोष हैं आत्मा पर वो जल्दी मतलब जैसे अज्ञानता है वो हटती नहीं है केवल अज्ञानता को हटाने के लिए जो है ज्ञान रूपी तलवार की जरूरत है तीसरा श्लोक अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर्म साधन रूप नहीं हो सकता क्योंकि कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है जैसे प्रकाश ही घोर अंधकार को दूर कर सकता है वैसे एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होने के कारण उसे नष्ट कर सकता है यही जो थे महर्षि रमन का भी जो विचार था यही था महर्षि रमन जो थे ना वो आत्मा अनुसंधान की जो विधि बताते थे उस पर ज्यादा ध्यान देते थे और उस पर ज्यादा जो है लोग करने के लिए बोलते थे वो बोलते थे कि कर्मकांड कर्मकांड से अज्ञान दूर नहीं हो सकता है अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें अज्ञान रूपी जो दीपक है उसका सहारा लेना पड़ेगा श्लोक नंबर चार अज्ञान के कारण ही आकाशवत असीम आत्मा सीमाओं से युक्त प्रतीत होती है अज्ञान का नाश होने पर समस्त भेदों से रहित तो अपरिच्छिन्न आत्मा उसी प्रकार से प्रकाशित होती है जैसे बादलों के हटने पर सूर्य प्रकाशित होता है पांचवा श्लोक अज्ञान से कलुषित जीव ज्ञान व्यक्ति को उत्पन्न करके उसके निरंतर अभ्यास से शुद्ध हो जाता है यह ज्ञान व्यक्ति जीव को शुद्ध करके सब भी नष्ट हो जाती है जैसे चूरन पानी की गंध को साफ करके स्वयं बैठ जाता है नंबर राग आदि से युक्त है संसार स्वपन के समान है जब तक स्वप्नावस्था में है तब तक यह स्वरूप प्रतीत होता है किंतु जग जाने पर झूठा दिखने लगता है श्लोक सेवन द जगत प्रतीत होता है जब तक उसके अधिष्ठान अद्वे स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है जैसे सिपी में चांदी का भ्रम तब तक ही होता है जब तक सिपी का ज्ञान नहीं होता आठवां श्लोक सबके उपादान कारण और आधार रूप परमेश्वर में ही यह जगत उत्पत्ति स्थिति और लय को उसी प्रकार प्राप्त होता है कि जैसे जल में बुलबुले आदि नाम रूप की उत्पत्ति होती है श्लोक नोवा जगत के समस्त पदार्थ सचित स्वरूप नित्य सर्वव्यापक विष्णु रूपी अधिष्ठान पर उसी प्रकार आरोपित किए जाते हैं जिस प्रकार सवर्ण में कंगन इत्यादि आभूषण दसवा श्लोक जैसे सर्वव्यापी आकाश भिन्न भिन्न उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है तथा तो उपाधि के नष्ट होने पर एक हो जाता है वैसे ही भिन्न भिन्न उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होने वाला एक ही सर्वव्यापक सत्ता उपाधि के बाधित होने पर एक हो जाती है ग्यार श्लोक भिन्न भिन्न उपाधियों के साथ संबंध के कारण जाति वर्ण आश्रम इत्यादि आत्मा पर आरोपित किए जाते हैं। जैसे जल में रस, रंग, आदि आरोपित किया जाता है 12वां श्लोक पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित तथा पंचीकृत महाभूतों से निर्मित हुआ यह स्थूल शरीर सुख दुख के अनुभवों का साधन अथवा भोग का आयतन कहा जाता है तेरवा श्लोक पांच प्राण पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि इन सत्रह वस्तुओं के समूह रूप ए पंचीकृत महाभूतों से निर्मित यह सुख दुख के अनुभवों का साधन है चौदहवा श्लोक अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या कारण शरीर है आत्मा इन तीनों उपाधियों से मुक्त है यह निश्चय करो पंद्रहवा श्लोक जिस प्रकार सफ्टिक अपने समीपस्थ वस्त्र आदि के नीले रंग के कारण नीला प्रतीत होता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पंचकोशों की सनिधि के कारण उसके गुणों से युक्त प्रतीत होने लगता है सोलवा श्लोक शुद्ध स्वरूप आत्मा को पंचकोशों से युक्ति पूर्वक विवेक के द्वारा वैसे ही प्रतीक करना चाहिए जैसे चावल को उसके छिलकों से पृथक किया जाता है पांच कोष हैं अन्न में कोष प्राण में कोष मनोमय कोश विज्ञान में कोष और आनंदमय कोष सत्र श्लोक है आत्मा यद्यपि सर्व व्यापक है फिर भी सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं होता है इसका अनुभव शुद्ध बुद्धि में ही होता है जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिदिन दिखाई पड़ता है अठारवा श्लोक आत्मा को सदैव प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से विलक्षण सबके साक्षी एमएम राजा की बातें ही जाने उन्नीसवा श्लोक अविवेकी की अज्ञान अज्ञान अज्ञानवशात मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को सच्चिदानंद आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं जैसे प्रकाश में दिखाई पड़ने वाली नीली माँ को अज्ञानी आकाश का ही रंग मान लेते हैं बीसवा श्लोक आत्म-चेतन्य का आश्रय लेकर जड़ होते हुए भी देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि उसी प्रकार से अपनी क्रियाएं करती हैं, जैसे सूर्य की सन्निधि में समस्त मनुष्य अपने कर्म में प्रेरित होता है हमारा मन बुद्धि वगैरह जो है अहंकार ये सब जड़ हैं। इनके अंदर चेतनता नहीं है मन को आत्म मन को बुद्धि को अहंकार को जो शक्ति प्राप्त होती है वो हमारी आत्मा से मिलती है, है। चंद्रमा जो है प्रकाश लेता है सूर्य से और फिर इसको रिफ्लेक्ट करता है जो हमें प्रकाश दिखाई देता है रात के टाइम चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है चंद्रमा का जो चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश लेके से इसको पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से चमक रहा है लेकिन ऐसा नहीं है इसी प्रकार हमारा मन बुद्धि आदि जो हैं कार्यरत हैं काम करते हैं उनको जो शक्ति मिलती है वो आत्मा से मिला हमारे शरीर का कोई भी अंग अपनी शक्ति से काम नहीं करता है क्योंकि वह सड़ जड़ है पूरा शरीर चेतनहीन है केवल आत्मा ही चेतन स्वरूप है हमारे शरीर के हर अंग को शक्ति मिलती है आत्मा से ध्यान देने वाली बात इक्कीसवां श्लोक अविवेकी अज्ञान व साथ मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को सच्चिदानंद आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं, जैसे आकाश में दिखने वाली नीली माँ को अज्ञानी लोग आकाश का ही रंग मान लेते हैं बाईसवां जैसे अज्ञान के कारण जल की चंचलता आदि उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की मान ली जाती है वैसे ही मन की श्लोक राग द्वेष सुख दुख तथा तो इच्छा आदि मन के अंतर्गत की विध विविध वृत्तियों का सुसुप्ति अवस्था में कोई अस्तित्व तो नहीं होता किंतु बुद्धि के जगन के कारण प्रांत हुआ करती है इससे यह सिद्ध होता है कि यह समस्त विकार बुद्धि के ही आत्मा के नहीं है 24वां श्लोक जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश स्वरूप जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता आदि है वैसे ही आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद नित्य एवं शुद्ध स्वरूप ही है 25वां श्लोक आत्मा का सत्य चित्त अंश और बुद्धि वृत्ति इन दोनों के अविवेक पूर्ण संयोग से मैं जानता हूँ इस व्यक्ति की उत्पत्ति होती है छब्बीसवा श्लोक चेतन स्वरूप आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकती तथा जड़ बुद्धि में जानने का सामर्थ्य नहीं हो सकता सीधा भाष रूपी जीव अपने अज्ञान और अविवेक के कारण अपने को मात्रकर्ता दृष्टा आदि मानकर मोहित होता है सत्ताइसवा श्लोक आत्मा को जीव मानने से व्यक्ति उसी प्रकार से भयभीत होता है जैसे रस्सी को समझने से। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हम जीव नहीं हैं, किंतु परमात्मा ही हैं, उस समय वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है ये लोगों को थोड़ा भ्रम हो जाता है अद्वैत वेदांता के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है आत्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही आत्मा है जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है सर्वज है सर्वशक्तिमान है उसी प्रकार आत्मा भी सर्वज है सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है लेकिन अज्ञानता के कारण जो है हम इस आत्मा को भी बहुत ही निर्बल मानते हैं ये सब अज्ञानता का है माया का पर्दा है आत्मा पर मन अहंकार और जो माया का पर्दा जो है वो छाया रहता है आत्मा पर और हम आत्मा को जो है कमजोर मान लेते हैं अज्ञानता के कारण वास्तव में आत्मा और परमात्मा एक ही है श्लोक नंबर ट्वेंटी अट्ठाइसवा श्लोक जैसे दीपक द्वारा घटादी विषय प्रकाशित किए जाते हैं वैसे ही आत्मा द्वारा बुद्धि और इंद्रियां आदि कारण प्रकाशित होते हैं बुद्धि आदि सब तह होने के कारण अपने आप को नहीं अन्य को प्रकाशित कर सकती है तीसवा श्लोक जैसे दीपक को स्वयं को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तीसवा श्लोक नीति नीति श्रुति वाक्यों के द्वारा सभी उपाधियों का निषेध करके महावाक्य द्वारा लक्षित जीवात्मा परमात्मा की एकता को जाने महावाक्य है जैसे अहम ब्रह्माष्टमी शिवोहम So, हम ये सब महावाक्य हैं कत्तीसवा श्लोक अविद्या अर्थात कारण शरीर से स्थूल शरीर तक सब शरीर दृश्य है पानी के बुद्धबुदों की भांति नाशवान है इससे सर्वथा विलक्षण निर्मल तत्व ब्रह्म हम है ऐसा निश्चय करें बत्तीसवा श्लोक मैं शरीर से विलक्षण हूँ अतएव जन्म जरा अक्षय मृत्यु आदि सड़ विकार में नहीं है मैं इंद्रियों से रहित हूँ अतः विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं, नहीं, नहीं है मैं इसलिए नहीं है मैं अप्राण अमन तथा शुद्ध हूँ यह श्रुति भी बताती है मन की उत्पत्ति जो है विचारों के द्वारा होती है विचार उत्पन्न होते है आत्मा से जब ये विचार लगातार आत्मा से उत्पन्न होते रहते हैं तो विचारों की इस श्रृंखला को मन का नाम दिया जाता है फिर बुद्धि अहंकार ये मन के ही जो है स्वरूप हैं, हैं। ठीक है तो मैं ये जो अपनी आत्मा को हम शरीर मान लेते हैं ये अहंकार है इसको अहंकार का नाम दिया गया है और ये अहंकार ही सब विचारों को पैदा करने वाला और सबसे बड़ा जो मूल कारण है विचारों का निरंतर आत्मा से पैदा होना वो है हमारी वासनाएं और ये वासनाएं जो पिछले लाखों हजारों करोड़ों जो जन्म हमने लिए हैं वो जो वासनाएं हैं वो जम के बैठी हुई हैं तो आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार और मुक्ति के लिए इन वासनाओं को नष्ट करना बहुत जरूरी है और ये जो ग्रंथ हम जिसका ये वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं इस ग्रंथ से हमें बड़ी सहायता मिलती है चौतीसवा श्लोक मैं निर्गुण निष्क्रिय नित्य निर्विकल्प निर्विकार निराकार नित्य मुक्त और निर्मल हूँ किसको कह रहे हैं आत्मा को पैंतीसवां श्लोक मैं आकाश की तरह सब के अंदर बाहर व्याप्त अपरिवर्तनशील सदा और सर्वत्र समान शुद्ध असंग निर्मल और अचल हूँ किसको कह रहे हैं आत्मा को जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के गुण हैं 36वां श्लोक मैं वह ही प्रब्रम तत्व है जो नित्य शुद्ध मुक्त एक अखंड आनंद अद्वैत तथा सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है किसको बोला जा रहा है आत्मा को आत्मा ही जो है तत्व है 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 नित्य शुद्ध मुक्त अखंड है, है आनंद है अद्वय है तथा तो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है ये सब आत्मा के गुण बताए गए सैतीसवा श्लोक इस प्रकार निरंतर अभ्यासी उत्पन्न मैं ब्रह्म हूँ यह संस्कार अज्ञान और तजनित विक्षेप का उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे औषधि के सेवन से रोग की निवृत्ति हुआ करती है आप ध्यान में जब बैठे तो ये ध्यान करें कि मैं ब्रह्म हूँ लगातार इसको ध्यान करने से हमारा जो अज्ञानता है वो मिट जाएगी जो बुरे संस्कार बैठे हुए हैं हमारे चित्त के अंदर वो भी मिट जाएंगे महर्षि रामना ने बहुत अच्छी विधि दी है उसको बोला जाता है आत्मा अनुसंधान और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ इनक्वायरी मैं कौन हूँ हु एम आई ये बहुत ही अच्छा अभ्यास उन्होंने बताया है इससे जो है आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार और मुक्ति तक पहुँचा जा सकता है अड़तीसवा श्लोक एकांत स्थान में स्थित होकर सबसे राग आदि रहित होकर तथा तो इंद्रियों को वश में करते हुए अनंत स्वरूप एक आत्म तत्व का अनन्य भाव से चिंतन करें मतलब आप ध्यान में बैठ जाएं और और विचारों को बिल्कुल इग्नोर कर दें उनको ध्यान मत दें और केवल एक ही ध्यान रखें मैं आत्मा हूँ यदि ये जो आत्म तत्व को पकड़ लो तो आपका अज्ञान जो है दूर हो जाएगा और इसी का नाम है आत्मा अनुसंधान की विधि सेल्फ विधिवार की विधि महर्षि रमन ने बहुत ही अच्छी विधि बताई है उनतालीसवा विवेकी पुरुष विवेक पूर्वक संपूर्ण दृश्य जगत को अपने में विलीन करके आकाशवत निर्मल आत्मा का सदा चिंतन करें इस पूरे ग्रंथ के अंदर आत्मा का ही जिक्र किया गया है चालीसवां श्लोक वित्त संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत के प्रति सत्यता की बुद्धि को त्याग कर परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप में अवस्थित हो जाता है इकतालीसवा श्लोक परमात्मा चिदानंद स्वरूप होने के कारण उनमें ज्ञाता ज्ञान के का भेद नहीं है एक होने के कारण वह स्वयं प्रकाशित है बयालीसवा श्लोक एवं आत्मा को अरणी बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है इससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है तथा तो उसकी प्रचंड ज्वाला समस्त अज्ञान ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है तैतालीसवां श्लोक जैसे अरुणोदय से सूर्योदय से पूर्व ही अंधकार दूर हो जाता है वैसे ही आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है आत्म साक्षात्कार लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं आत्म साक्षात का मतलब क्या है देखो हमारी आत्मा के ऊपर मन अहंकार माया और जो हमारी वासनाएं हैं उन्होंने एक पर्दा बना रखा है वासनाओं को मिटा दो मन को नष्ट कर दो और अहंकार को नष्ट कर दो माया को नष्ट कर दो वास्तव में मन ईगो जिसको हम बोलते हैं अहंकार और ये वासना ये सब अल्पकालीन है वास्तव में इनका कोई जो है इनकी कोई सत्ता नहीं है लेकिन हमने अज्ञानता के कारण इनको मान लिया है कि ये हैं वास्तव में हैं नहीं और यही मूल कारण है कि हम आत्मा को पहचान नहीं पाते नहीं तो हम तो ऑलरेडी जो है हम सेल्फ रियलाइज हैं लेकिन हमने खुद ही मान लिया है नहीं भाई हम हमें तो पता ही नहीं आत्मा क्या है तो ये हमारी अपनी अज्ञानता के कारण है श्लोक चौवालीसवा आत्मा नित्य प्राप्त ही है आत्मा तो है किंतु अविद्या के कारण वह अप्राप्त प्रतीत होता है हमें पता ही नहीं अविद्या का नाश होने पर आत्मा का वैसे ही अनुभव होता है जैसे अपने ही गले में पड़े हार को खोया हुआ समझकर ढूंढने पर ही गले में प्राप्त हो गया वास्तव में प्राप्त कहाँ हुआ वो तो था लेकिन अज्ञानता बस हम भूल बैठे थे पैंतालीसवां श्लोक अंधकार के कारण खंभे में भी भूत की प्रतीति की तरह ही अज्ञान के कारण ब्रह्म जीव की तरह प्रतीत होता है जीव का तात्विक रूप जान लेने पर जीव भाव समाप्त हो जाता है देखो एक आत्मा है एक जीवात्मा है इसको थोड़ा सा समझना है आत्मा तो जो है परमात्मा की तरह सर्वशक्तिशाली सर्व व्यापक और सर्वज है लेकिन जब ये आत्मा प्राण के सहारे इस शरीर में टिकी रहती है तो इसको बोला जाता है जीवात्मा जीवात्मा इंडिविजुअल सोल तो थोड़ा ध्यान देने की पाते हैं वास्तव में तो आत्मा परमात्मा एक ही है तो ये थोड़ा कई चीजें समझ नहीं होती है, बस लोग सुनते रहते हैं। आत्मा, आत्मा। पता है नहीं दोनों में फर्क क्या है भी एक समुद्र पानी भरा हुआ है दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम एक दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम जो है ऑक्सीजन का दोनों में फ... केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है अब एक गिलास में ले लिया पानी तो ये जो गिलास में पानी है ये समझ लो हमारी जीवात्मा है और समुद्र में विश्व में जो फैला हुआ पानी है वो एक प्रकार से आत्मा है परमात्मा है तो व्यापक रूप जो है आत्मा का है जीव आत्मा को शरीर में हम मान के बैठे हैं तो ये थोड़ा सा छोटा बन जाता है सैतालीसवां श्लोक जिसे सम्यक अनुभव जन्य ज्ञान हो गया है वह योगी अपने में ही समस्त जगत को तथा सबको अपनी आत्मा की तरह ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है अड़तालीसवां श्लोक जिस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घटा भी मिट्टी ही है उसी प्रकार से ज्ञानवत देखता है कि यह ज्ञानवान देखता है कि यह समस्त जगत हमारी आत्मा ही है हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है देखो जगत की उत्पत्ति मानी गई है मन के द्वारा और मन कहा से उत्पन्न हुआ आत्मा के द्वारा तो ये जगत किससे उत्पन्न हुआ आत्मा के द्वारा तो ये कई चीजें हैं जो बड़ी अद्भुत अजीब लगती हैं लेकिन गहराई ऐसे बैठ के सोचने से समझ में आ जाता है उनचासवा श्लोक जीवन मुक्त विद्वान अपनी समस्त पूर्व उपाधियों का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो जाता है जैसे कीटक भ्रमर का ध्यान करते हुए ब्रह्म रूप हो जाता है पचासवां श्लोक योगी पुरुष मोह सागर को पार कर राग द्वेष रूपी राक्षस को मारकर शांति से एक रूप होकर आत्मा ही रमन करता है यावनवा श्लोक बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद में तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर घट में दीपक की तरह स्वयं ही होता है बावन लोग। वह मुनि उपाधियों में शित होकर भी आकाश की तरह उनके घुण से अलिप्त रहता है तथा तो सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी की तरह रहते हुए वायु विचरण करता है त्रेपनवा श्लोक मुनि उपाधि का उन व्यापक तत्व विष्णु में विलय हो जाने पर निर्विशेष तत्व में उसी प्रकाश से प्रवेश कर जाता है जैसे जल में जल आकाश आकाश में तथा अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है चौवनवा श्लोक जिससे अधिक इस जगत में न कोई लाभ है न उससे बढ़कर कोई सुख है तथा उससे महान कोई ज्ञान नहीं है उसे ही ब्रह्म जानो पचपनवा श्लोक जिसे देखने के उपरांत और कुछ देखने योग्य नहीं रह जाता है। जो होने के उपरांत अन्य कुछ बनना शेष नहीं रहता है तथा जिसे जानने के उपरांत इस जगत में न कुछ जानने योग्य शेष रहता है उसे ही तुम ब्रह्म जानो छप्पन श्लोक जो ऊपर भी है नीचे भी है जो सच्चिदानंद अद्वय अनंत स्वरूप नित्य एकमात्र पूर्ण तत्व है उसे तुम ब्रह्म जानो सत्तावनवा श्लोक जिसे वेदांत शास्त्र निषेध लक्षण से लक्षित करते हैं उन एक अद्वे आनंद स्वरूप तत्व को ही ब्रह्म जाने अठावनवा श्लोक उस अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद के लवलेश पर ही ब्रह्म आदि देवता आश्रित हैं और वे सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में ही उस आनंद का उपभोग कर पाते हैं उनसठवा श्लोक समस्त पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त है तथा समस्त चीज टाइम ब्रह्म के कारण ही संभव है अतः ब्रह्म समस्त पदार्थ में उसी तरह व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन साठवां श्लोक जो न सूक्ष्म है न स्थूल न छोटा है न बड़ा जिसमें न जन्म है न विकार व परिवर्तन तथा जो रूप गुण वर्ण और नाम से रहित है उसे तुम ब्रह्म जानो एकसठवा श्लोक जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाश होते हैं किंतु जो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता नहीं है उसे सब कुछ प्रकाशित होता है उसे तुम ब्रह्म जानो बैसठवा श्लोक ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर बाहर व्याप्त होकर स्वयं को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे तपे हुए लोह के गोलों में अग्नि त्रेसठवां श्लोक ब्रह्म जगत से अत्यंत विलक्षण है तथा तो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या ही है चौसठवा श्लोक दृश्य तय संस्कृत जो कुछ भी यहाँ देखा वह सुना जाता है वह ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है तत्व का ज्ञान हो जाने पर यह जगत अद्वय सच्चिदानंद ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है पैंसठवां श्लोक यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी सचित सचित स्वरूप है किंतु वह ज्ञान चक्षु से ही जानी जाती है अज्ञान से आवृत आवृत चक्षु के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता जैसे अंधा प्रकाशित हो रहे सूर्य को नहीं देख सकता छियासठ शास्त्र के सर्वनादि से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित कर जीव समस्त अज्ञान जनित मलिनता से मुक्त हो सवरण की भांति प्रकाशित होता है सतसठवा श्लोक जिस समय हृदय आकाश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अज्ञानांधकार का नाश करता है तब सर्व व्यापक तथा सर्वाधार ब्रंथ स्वयं प्रकाशित होता है तथा अखिल जगत को भी प्रकाशित करता है अठसठवा और अंतिम श्लोक जिस व्यक्ति ने सब कर्मों को भली भांति त्याग कर दिया तथा जो देश काल और दिशा पर अवलंबित न होकर सर्वव्यापक सर्दी गर्मी आदि द्वेन्द्व से परे नित्य आनंद स्वरूप और निरंजन अपने आत्म रूपी तीर्थ का सेवन करता है वह सर्वज और सर्वव्यापक हो जाता है और अमृत तत्व को प्राप्त करता है ओम तत्सत ये ग्रंथ का आखिरी श्लोक था दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हम विराम लेते हैं कृपा करके इस वीडियो को आप लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरी जो चैनल है इसको आप कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ये आपके अपनी चैनल है इससे हमारी सनातन धर्म की जो है सेवा हम किसी न किसी रूप में कर सकते हैं नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों जय श्री